इवनिंग गाइस। तो आज मैं चला आया हूँ, आप बोल सकते हो इस जगह को, देख लो मेरा पीछे। तो आप इस जगह को बोल सकते हो कि ये हमारा कलकत्ता का स्प्लेनेड है, धर्मतला। हम लोग जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, ये भी एक धर्मतला ही है, स्प्लेनेड ही है, सेम। तो ये देखो, एक बार व्यू देख लो आप लोग। तो इधर में कुछ ऐसा रस है आज, और ये हमेशा रहता है। फ्राइडे आओगे तो ये तो कुछ भी नहीं, इससे 10 गुना ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगा रश। और इधर ये स्प्लेनेड जैसे ही है, सब कुछ मिलेगा, खाना से लेके एवरीथिंग, गोलगप्पा से लेके सब कुछ मिलता है, और सस्ता मिलता है कुवैत में। हर जगह में जितना प्राइस है उससे ज़्यादा चीप है, इधर सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। तो इसलिए इधर आते भी है लोग शॉपिंग करने के लिए नॉर्मली, जैसा इंडिया में, मतलब कलकत्ता में स्पेशली स्प्लेनेड जाता है। बाद में चांदनी चौक हो गया, तो सेम ये भी हमारा चांदनी चौक स्प्लेनेड जैसा ही है। इधर सब इसलिए आता है, तो इसलिए हमेशा भीड़ रहता है, हमेशा। बहुत कम आप लोगों को देखने को इधर मिलेगा क्या, इधर भीड़ नहीं है नॉर्मली, हमेशा भीड़ मिलेगा आप लोगों को। और ये जगह है सलमिया में, ओल्ड सलमिया, ओल्ड सुख सलमिया ऐसा बोलते हैं, इस जगह का नाम है ओल्ड सुख। तो आज मैं थोड़ा आ गया हूँ इधर घूमने के लिए। ये शहीद भाई भी है मेरे साथ, और सुनीता है जो इससे पहले आप देख चुके हैं, ये है शहीद भाई। हेलो। तो सुनीता आगे चल रहा है, उसके पास बहुत सामान है, वो जल्दी भाग रहा है इसलिए। तो हम लोग ये ऐसा ऑफ डे में घूमता रहता है थोड़ा बहुत, ये पहले और ज़्यादा घूमता था, अभी तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि काम ज़्यादा हो गया इसलिए। तो नॉर्मली पहले हम लोग बहुत घूमते थे। तू आप पीछे देखो, ऐसा कपड़ा लगा हुआ है, सेम जैसा हमारा हो गया, आपका क्या बोलते हैं स्प्लेनेट में, जैसा हमारा कपड़ा लगा हुआ रहता है ना, देखो कौन बोलेगा ये कुवैत है। तो सेम हमारा स्प्लेनेट जैसे हालत है, इधर कपड़ा, इधर सामने फूड, इधर से खाना, हर तरह का खाना वाना सब मिलेगा। तो कोई भी कुवैत से देख रहे हो तो अगर किसी को ये जगह के बारे में मालूम नहीं है तो कभी एक बार थोड़ा देख के जाओ, बहुत ही सस्ते में आप लोगों को सामान मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। तो ये देखो इधर 500 फील्स में भी इधर कपड़ा, कैप वगैरह ये सब मिल रहा है। उधर 2 KD में, 1 KD में। तो देखो इधर पे कितना अच्छे से रेस्टोरेंट वगैरह लगा हुआ है, बाहर बैठने का जगह है। तो इधर का एरिया कुछ ऐसा दिखता है, वो है बर्गर किंग। ये लोग देखो इधर सब देखने के लिए बैठ गए हैं, सुनीता, शहीद भाई, ये लोग का पार्टी है। पार्टी के लिए ड्रेस खरीद करने, पार्टी के लिए ड्रेस खरीदना पड़ेगा इसको, स्पेशली बोल रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, मोबाइल शॉप, तो समझ रहे हो ना, पैसा वाला है, पैसा वाला है। मेरे पास पैसा नहीं है। ये मोबाइल का शॉप, सेम चांदनी जैसे ही, चीपेस्ट में मिलेगा सब कुछ, चीप प्राइस में मिलेगा आप लोगों को। अभी देखो, मेरे को अभी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है पहले जैसा होता था, अभी मेरे को ही देख रहा है ज़्यादातर, सब नोटिस कर रहा है, तो सब देख रहा है ऐसा घूर घूर के, क्या मैं क्या कर रहा हूँ कैमरा लेके। तो ये बच्चा आया इजिप्शियन, ये पूछा मेरे को तुम्हारा चैनल का नाम वगैरह क्या है। तो अभी ऐसा होता है, पहले ये सब का आदत नहीं था, अभी तो ये कॉमन लगता है मेरे को, क्योंकि ये मेरे साथ अभी होता रहता है, ऐसा कोई ना कोई पूछता है ऐसा। अभी मेरे को सब देख रहा है घूर घूर के, पहले ऐसा होता तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था, तो अभी भी होता है लेकिन कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं। ये देखो, आपको आपके सर में बाल नहीं है तो ओके, अगर कोई गंजा देख रहे हो तो, कोई गंजा है तो इधर से आके बाल खरीद सकते हो, ओके। तो चलो अभी देखते हैं किधर बैठना है, थोड़ा खाना पीना खाना है। तो पीछे देखो, उधर एक ट्रेन दिख रहा होगा आपको, कि मैं थोड़ा जूम कर देता है, हाँ वो है मेरा पीछे ट्रेन। तो चलो अभी देखते हैं बैठ के किधर भी खाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, किधर भी थोड़ा खाली स्पेस मिलना भी मुश्किल है बहुत।
मिलेगा तो थोड़ा खाने के लिए जगह एक मिला, थोड़ा सा खाली जगह, तो इधर अभी बैठेगा हम लोग, बैठ के थोड़ा खाना खाएगा अभी। तो चलो थोड़ा खाना खा लेते, पहले भूख लगा। तो देखो ऐसा स्ट्रीट के ऊपर ही हम लोग बैठ के अभी खा रहा है। तो इधर सब ऐसे ही करता है, किसी को भूख लगा तो ऐसा जगह भी बना हुआ है। अब इधर बैठ के किधर, मतलब आप घर से भी खाना लेके आके इधर बैठ के खा सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर का रेस्टोरेंट से ही खरीदो के इधर खाओगे। तो ये जैसा हम लोग खा रहे दिखाते हैं, तो देखो इधर हम लोग खाना खा रहे हैं, इधर भी खाना है। ये ब्रेड वगैरह है, और ये ब्रेड को लेके भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब बोलूँगा क्यों सेपरेट बना रहा हूँ। ये सैंडविच है, उधर वेजिटेबल सब्जी है, और भी क्या क्या है, है तो बहुत है। सुनीता ये सबसे नंबर वन बुक कर खा रहा है टपा टप। इधर शाहिद भाई खा रहे हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। तो चलो थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, बाद में फिर मिलते हैं। मैं जब आ गया, मैं सोच रहा है अभी थोड़ा, ये सामने एक इलेक्ट्रिक शॉप दिख रहा है, जब मोबाइल वोबाइल सब कुछ मिलता है, एक दो शॉप है, थोड़ा मैं जाके देख लेता हूँ कि इधर मेरे कार्ड रीडर अवेलेबल है कि नहीं है। होना तो चाहिए, इधर तो सब कुछ अवेलेबल होता है वैसे, तो मैं एक बार पूछ लेता है कि नहीं है। एक्सक्यूज मी भाई, कार्ड रीडर है कौन सा, टाइप सी का आईफोन? नहीं, यूएसबी पोर्ट वाला कार्ड रीडर चाहिए। मैं तुम्हारे रूम के लिए नहीं है भाई। हाँ नहीं होगा, हालत इधर भी सेम है, कार्ड रीडर नहीं है। तो भाई मेरे को लग रहा है कुवैत में थोड़ा कारीडर का बिजनेस करना चाहिए मुझे, तो मैं भी अच्छा होगा, क्योंकि जिधर में जाता है मैं कारीडर ही नहीं मिलता है मुझे, इधर पे ही जाता है बोलता है कारीडर नहीं है। और एक शॉप है इधर भी जाके एक बार देख लेते हैं। अब भाई कारीडर है भाई, क्या कार्ड रेडर चाहिए? कैमरा का मेमोरी कार्ड के लिए टाइप वाला नहीं, सी टाइप नहीं, यूएसबी पोर्ट वाला। क्लैश है? ये तो आपका पिन ड्राइव हो गया। कार्ड रीडर मतलब मेरा जो इधर का मेमोरी कार्ड है, मैं उसमें डाल के मेरा कंप्यूटर में हो या फिर से नहीं, ये मेरे पास है। ओके, ये डालने का जो होता है ना, यूएसबी टाइप है। हाँ, अब इंडिया में तो हर एक जगह में मिलता है, मुझे मालूम नहीं इधर क्यों नहीं मिल रहा है, कुवैत में नहीं है। तो देख लो इधर भी सेम हालत है, इसके पास भी नहीं है, मुझे मालूम नहीं मुझे कार्ड रीडर किधर मिलेगा, क्योंकि मैं कितना जगह घूम चुका हूँ ये कॉरिडर के चक्कर में, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और तो इधर फिलहाल दिख रहा भी नहीं है मुझे, अभी मैं किधर जाएगा मालूम नहीं। ये जा रहा है, देखो आपको याद होगा इसको मैं आपको मरीना मॉल में दिखाया था, तो वही है, इधर घूमने के लिए आया है। तो ये अभी जा रहा है, तो हाँ, और एक बात बोलना है, शाहिद भाई बोल रहा है, तो अभी मैं शाहिद भाई एक नया चैनल खोला है, मुझे देख के शाहिद भाई को भी मन कर रहा है यूट्यूब करने का, तो वो भी खोला है, वो भी घूमता रहता है, तो मैं बोला खोल लो क्यों नहीं, इधर उधर घूमता रहता है, डेली लाइफ को लेके आप भी वीडियो बना सकते हो। तो ये शाहिद भाई, हेलो। तो इसका भी आज मैं जस्ट इधर बैठ के अभी वीडियो, मतलब या सॉरी यूट्यूब चैनल जस्ट मैं अभी क्रिएट किया इसका, तो चैनल का नाम है रास्ता। तो चैनल सुन लो, इनको मुझसे बोलो, मेरा अभी नया चैनल खोला चैनल का। तो और एक चीज़ देख लो, नहीं नहीं, क्या क्या खाना निकला अभी इधर से, क्या क्या कितना खाना लेके आया क्या मालूम, ये देखो अभी। ये क्या है मुझे मालूम नहीं, ये चिली का सब्जी है। इमादाची बोलो, इमादाची भूटानी फूड। इमादाची क्या है बोलो? इमादाची भूटानी फूड, भूटानीज फूड। ये नूडल्स भी डाल रहे थे, कैसे खाते हैं ये, वही वही बोलता है, ये वही 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 बोलता है, रो खाता है, गोभी आलू गोभी खाएगा, और ये खुबूस बात नहीं है। तो अभी सब पेट पूजा फिर से करने के लिए रेडी हो रहा है, ये भूटानी खाना खा रहा है हम लोग। तो इसका नाम क्या बोला मैं भूल गया, सिर्फ मिर्ची है, ठीक है, ग्रीन चिली का सब्जी, जो भी है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया, अच्छा है, क्योंकि नंबर वन स्पाइसी है, मैं थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ। ये दोनों का हाल मैं दिखाता हूँ अभी। आँख से देखो आंसू निकल गया, और ये एक भूटानी जो खुद को स्पाइसी वाला मानता है, ये भी ऊ कर रहा है। अभी
हाँ भाई स्पाइसी तो है, मैं खाता है स्पाइसी, लेकिन सिर्फ मिर्ची का, मतलब कुछ आइटम फर्स्ट टाइम का है जिसमें सिर्फ मिर्ची है और कुछ नहीं है। जो भी है खा रहा है, ये है वो आइटम, देख लो सिर्फ मिर्ची दिखेगा तुमको, चीज़ है, मिर्ची है, चीज़ और मिर्ची नंबर वन। ये है भूटानी का स्पेशल खाना। तो मुझे भी स्पाइसी लगा है, लेकिन इन दोनों का जैसे इतना नहीं लगा है, लगा है लेकिन स्पाइसी है, सच में स्पाइसी है। जो भी अच्छा लगा फर्स्ट टाइम खाया। अच्छा ठीक है, सब कुछ हो चुका है, हम लोग घूम चुका है पूरा दिन। अभी देखो खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि अभी रात हो चुका है, तो अभी बस जा रहे हैं, अभी रूम के तरफ ही जा रहे हैं। तो मैं सुनीता को तो आप लोग पहले मेरा वीडियो में देखे होंगे, पहले भी आ चुका है मेरा ब्लॉग में वो, तो मैं आज उसका एक मतलब अनटोल्ड स्टोरी, आज मैं उसका एक मतलब अनजाना स्टोरी जो कि मुझे भी आज ही मालूम पड़ा। तो ये इतना हार्डवर्क किया एक टाइम पे, ठीक है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की होके भी ऐसा हार्डवर्क करता है। जैसे हमारा इंडिया में मैं देखा था ऐसा हार्डवर्क करते हो, इंडिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये भी ऐसा। मैं उसको इसलिए पूछा तुम कर पाए ऐसा काम, वो बोलता हाँ कर पाया। अभी इंसान क्या क्या कर सकता है, तो उसका मतलब जब वो सिचुएशन आता है तब मालूम पड़ता है कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है। तो उसका मुँह से ही मैं सुनाऊँगा आप लोगों को, तो उसका मुँह से ही मैं अभी सुनाऊँगा आप लोगों को कि वो कैसा इसका मतलब उसके साथ वो मतलब एक टाइम पे वो क्या क्या हार्डवर्क किया, कितना हार्डवर्क किया, वो उसका मुँह से आप लोग सुन लो। मैं पहले बिफोर आई कम हेयर भूटान में एक साल मैं कंस्ट्रक्शन में काम करके बैठा था। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब समझ सकते हो ना, जैसे हमारा इंडिया में बिल्डिंग वगैरह का काम रहता है, हमारा उधर में होटल बन रहा था 500 होटल। तो मैं उधर में, मैं अकेला नहीं, लड़की लोग बहुत है उधर भूटान के, लड़की लोग भी, बिकॉज कोरोना का टाइम में जॉब नहीं है तो मुश्किल हो के हम लोग काम करती थी उधर में। तो ऐसा है, देन इधर आया, एक साल किया, अच्छा है, काम कर सकता है, काम नहीं कर सकने कुछ भी नहीं है। ए, तुमको तुमको तकलीफ क्या फेस करना पड़ा, तुमको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो काम करते हुए? पहले तो बहुत मुश्किल होता था, तो बाद में आदत पड़ गया। उधर में काम करना पड़ता है एसी ब्लॉक, मिस्त्री का काम करना पड़ता, मतलब आप समझ, एसी ब्लॉक बोल रहा है इसका मतलब जो ईंट नहीं है, जो व्हाइट कलर का ईंट जैसा दिखता है ना, जिसमें मतलब फ्लैट होने के फ्लैट के लिए नॉर्मली वो यूज करता है, वो उसका बात कर रहा है। वो वॉल लगाना पड़ता है, सब कुछ करना, मसाला बनाना पड़ता है, ढलाई करना पड़ता है, शटरिंग सब मसाला, मतलब जो हम लोग का ईटा वो सब मिक्स करता है ना हम लोग सीमेंट वगैरह देके, वो उसका बात कर रहा है, मसाला बनाना पड़ता है, रॉड बाइंडिंग बहुत करना पड़ता है हम लोग। सोचो ये रॉड बाइंडिंग भी किया, जो कि आज तक मैं तो नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया, तो इसको उस टाइम पे ऐसा काम भी करना पड़ा। तो उसी बात ने सब काम करने को, तो मतलब क्या बोलो, मतलब ये बोल सकता है उसका टाइम पे इसके पास काम नहीं था और इसको काम चाहिए था, कोरोना का टाइम पे आप लोगों को भी मालूम है इंडिया में कैसा हालत था, तो उस टाइम पे वो ये काम किया। तो मतलब इंसान का मजबूरी होता है तो इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी। तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भी ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं तो सोचा ही नहीं मैं ओरिजिनली कभी काम कर सकता हूँ ऐसा। तो सोचो ये एक लड़की होके इतना हार्डवर्क किया है, तो उसका मुँह से ही सुन लिया आप। तो जो भी है मतलब सलूट है सुनीता को, सलूट है मेरा कि वो ऐसा काम किया। आप देख रहे थे जब मैं जा रहा था इधर से, मतलब जब मतलब एंट्री कर रहा था ये सुख सलमिया में आ रहा था जब मैं, तो कितना ज़्यादा रश था इधर। तो अभी देखिए, अभी मैं जा रहा हूँ सुख सलमिया से तो पूरा खाली खाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम कितना हो गया, अभी टाइम हो गया अभी 12:06 रात का। तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर से रूम के तरफ, तो इधर कुछ ऐसा है मतलब शाम से लेके रात तक हमेशा पूरा जमजमट रहता है, भीड़ लगा रहता है। तो और अभी इधर का हालत कुछ ऐसा है, पूरा खाली खाली। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और स्क्रीन में भी आ रहा होगा, तो आप जाके प्लीज़ लाइक एंड फॉलो कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी ऐसा ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।